नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी, ग्रामवासियों ने सरपंच सचिव की मनमानी पर लगाए आरोप। जिले की जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भौमाखेड़ा के ग्रामवासियों ने बताया कि लंबे समय से सरपंच सचिव एवं मैट द्वारा सभी सुविधा और विकास कार्य को लेकर भ्रष्टाचार किया गया। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में ग्रामवासी जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने एवं मनमानी करने का आरोप लगाते हुए 15 बिंदु पर लिखित शिकायत जिला कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया और ग्रामवासियों ने आवेदन देकर कानूनी कार्यवाही कर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। अभी देखा गया कि हमारे ग्राम पंचायत मोहखेड़ा में पिछले 6 वर्षों से आम सभा की बैठक नहीं हुई है और लगभग 8 साल से राजनीति पक्का सचिव नहीं है, सहायक सचिव के द्वारा काम किया जा रहा है। यह है कि 17 साल से एक मेट को रखा गया है जो भ्रष्टाचार करने में सहायक है। यही कि आपके जो भौमाखेड़ा में है लगभग ऐसे कितने मामले होते हैं, कितने बिंदु में आपने आवेदन बनाया है जो देना है? लगभग 15 बिंदुओं में 15 बिंदु में है। और ये आवेदन हम कहाँ कहाँ देंगे? ये आवेदन हम जनपद जनपद कार्यालय में सीओ मैडम को और कलेक्ट्रेट में और जिला पंचायत। अच्छा, यदि अब आपकी जैसे ये जो होती सर, इसके बाद हम लोग गांव के सभी लोग जैसे आज यहां पहुंचे हैं, लगभग इससे बहुत बड़ी तादाद में सूचना थाना पर देंगे और यहां पर लगभग धरना 10-15 दिन का हम धर के दिखाएंगे। इस पर हमें कोई संदेह नहीं है। क्या समस्या है सर? हमारे ग्राम भौमाखेड़ा में कुछ राजनीतिक दलों के चलते हुए एक सहायक सचिव को सचिव पदभार में 8 साल से बिठा दिया गया है। उस पर कुछ सहयोग ग्राम पंचायत भौमाखेड़ा के पंचायत बाड़ी का भी है, जो नहीं चाहती कि स्थायी सचिव वहां पर आए और भ्रष्टाचार को अपने स्तर से निभा रहे हैं, जबकि गांव के गरीब दर दर भटक रहे हैं, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। शौचालय के लगभग 70 गरीब ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुँचा है या उनके जेब पर पैसा नहीं पहुँचा। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के तहत काम में ना जाते हुए भी उनके खातों में पैसे डालते हैं और उनके ही गौशाला या शौचालय या भी मेड़ बंधान उन्हीं लोगों को प्राप्त करवाते हैं। 7 साल से नल की समस्या में जो गोणी मोहल्ला है हमारा भौमाखेड़ा में वो बहुत प्रताड़ित है और जो पानी की स्वीकृत हो चुकी है यहाँ से लाइन कहाँ से गांव में अभी तक वो लाइन डली नहीं है और पूरा गोणी मोहल्ला प्रताड़ित है पानी से और जो भी बात आती है वो नल चालक के ऊपर आती है। पंचायत उसका कोई भी निराकरण नहीं कर रहा तो क्या उसका नल चालक करेगा उसका? मेरा मतलब ये है कि जब बिल पास हो गए तो पाइपलाइन क्यों नहीं डली अभी तक? सही है, डलना चाहिए। 6 साल से पूरा वो मोहल्ला परेशान है, गांव की जनता परेशान है और वो सब लोग ये बोलते हैं कि बाघेल अकेले पानी पीते क्या? अच्छा, ये हम लोगों का थोड़ी है। हमें इस बात का दुख होता है और हम लोगों को दुख इसलिए होता है, हम अकेले मान लो तो गरीब मजदूर है तो उनके बराबर पानी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप बताओ। 50 से 60 घर है मोहल्ले में और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और सब मजदूर वर्ग है बेचारे, आधे गांव में पानी नहीं मिलता। गांव में जो है जिन लोगों के गरीब लोगों के मकान बन गए हैं, जो बिना आवासी इनमें बन गए हैं, उनको ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा दिया जाए और जो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री जो आवास जो बन रहे हैं उनको जो वाकई में जो लाभान्वित हितग्राही हैं उनको दिया जाए। ग्राम पंचायत भौमाखेड़ा में सचिव सरपंच कोटवार के माध्यम से कभी 5-7 साल से नहीं बतला रहे हैं कि क्या योजनाएं आई, किसको मिलना चाहिए एक ही घर में। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।